हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बिल्कुल राजी खुशी से होंगे। तो मैं आपका दोस्त लवी ठाकुर एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी में। और दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। और शुरू में बता रहा हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए चीज़ ऐसी बहुत खास लेके आऊँ दोस्तों, कि आपको ये चीज़ देख के बहुत मज़ा आने वाला। कि जैसा अभी तक आपको पता है कि दिल्ली के अंदर रहने वाला उत्तम नगर शहर, जो कि फेमस है बिल्डर फ्लोर्स के लिए, तो उसी बिल्डर फ्लोर्स की दुनिया में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ इंडिपेंडेंट हाउस। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट हाउस, जिसके अंदर जमीन भी आपकी और आसमान भी आपका। मतलब ऐसा घर जिसके अंदर जड़ भी आपकी होगी और छत भी आपकी होगी दोस्तों। कोई फ्लोर की टेंशन नहीं होगी कि कौन से फ्लोर पे जाएं कौन से पे ना जाएं, क्योंकि पूरा का पूरा घर ही आज आपका होने वाला है दोस्तों। तो ये जो हमारा घर है, टोटल 50 गज में दोस्तों बना हुआ है उत्तम नगर के अंदर, नवादा मेट्रो स्टेशन से ये आपका तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नवादा और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन दोनों यहाँ पे पास में लगते, दोनों हर तरीके की मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। तो ये था मेरा इसका प्रॉपर्टी का डिटेल। और वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन, की किस तरीके से हमने इसका फ्रंट डिज़ाइन किया है, कितने फुट की फ्रंट में आपको गली मिल जाती है। और आज आपके इस मिनी विला, डुप्लेक्स विला के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ दोस्तों बना के दे रहे हैं, तैयार करके दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहले आप देखिए इस पूरे इंडिपेंडेंट हाउस की छोटी सी झलक, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। सो वेलकम गाइज, बैक है एक बार फिर से, स्वागत है वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पे। और आ चुके हैं हम आज के बहुत ही खास इंडिपेंडेंट विला में रहने वाले फ्रंट में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट का रोड। आप ये देख सकते हैं, तकरीबन 15 से 18 फुट चौड़ा आपका ये रोड है, जिसके अंदर सीवर का सारा काम हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम हो चुका है, आईजेल ऑलमोस्ट डन की कगार पे दोस्तों हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ अगर कनेक्टिविटी के, तो जस्ट आप मेरे सामने ये चौक दिख रहे होंगे, इस चौक से आपने राइट लेना है और आप सीधा कनेक्ट हो जाएंगे मोहन गार्डन थाना रोड, और वहाँ से द्वारका मोड़ या नवादा किसी भी मेट्रो स्टेशन पर आप आसानी से रीच कर सकते हैं। ई रिक्शा कनेक्टिविटी बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाती है। डेली यूजेस की जो भी शॉप्स हैं आपकी, ग्रॉसरी की, कॉस्मेटिक की, केमिस्ट की, डॉक्टर, ATMs, बैंक, आपको हर तरीके के ये जो मार्केट्स है आपके घर के सामने ही दोस्तों हर तरीके से अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही खास चीज़, जो कि है हमारा आज का 50 गज में रहने वाला इंडिपेंडेंट विला। तो शुरुआत करते हैं अपने इंडिपेंडेंट विला के फ्रंट एलिवेशन से। तो आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की ACP शीट से, मीन्स एल्यूमिनियम कोटिंग शीट से, आपको कितने तरीके से इसका जो फ्रंट एलिवेशन आपके लिए तैयार करके दिया गया है दोस्तों। जो ये ACP की खासियत की जो इसकी लाइफ होती है, लाइफ टाइम होती है दोस्तों, तो कभी ख़राब होने का इसका मतलब होता ही नहीं है। प्रॉपर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको SS स्टील की मजबूत
रेलिंग आपको इसमें लगा के दे रहे हैं। प्रॉपर पूरे के पूरे डिप्लेक्स में आपको 3 बेडरूम का सेट आपको तैयार करके दिए हैं, जिसके अंदर 1 BHK का कंप्लीट सेट ग्राउंड फ्लोर पे आपको तैयार करके दे रहे हैं और 2 BHK का कंप्लीट सेट आपको फर्स्ट फ्लोर पे तैयार करके दे रहे हैं और टेरेस पे आपको एक प्रॉपर मोमटी के साथ वाटर टैंक तैयार कर दिया गया है। बाकी फ़ायदे तो आप जानते हैं इंडिपेंडेंट का कि जहाँ पे पूरा का पूरा घर आपका रहता है, फ्यूचर में आप इसके ऊपर 2 मंजिल और बना सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पे कि किस तरीके से उसको हमने डिज़ाइन किया है, क्या बनाया है, तो देखते हैं अपना ग्राउंड फ्लोर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर की, तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक बहुत ही मजबूत आयरन गेट आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। राइट साइड में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मीटर यहाँ पे लग चुका है। दोनों फ्लोर की बेल आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं और एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपको आउटर पे तैयार करके दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने मन मुताबिक कोई भी एंटिक वॉच या कोई भी एंटिक पीस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर, जो हम बात करते हैं IGL की, तो आप जो येलो पाइपलाइन देख रहे हैं प्रॉपर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाती है। अब इसके बाद एंटर करते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। तो आइए दोस्तों, तो ये हम आ जाते हैं दोस्तों अपने ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक प्रॉपर ये पैसेज है जहाँ पे आप इसको पार्किंग के लिए दोस्तों हमने बनाया है। आप इसको चाहे पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या अपने किसी भी और मोटिव से आप दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके लिए पहली बार फ्लोरों से हटके एक इंडिपेंडेंट घर आपके लिए तैयार कर दिया है। इंडिपेंडेंट मिनी विला आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका विश्वास हमारा प्रयास तभी होगा काम का विकास। तो उसी विकास को बढ़ाने के लिए हमने आपके लिए इंडिपेंडेंट हाउस तैयार किया है, जिसके अंदर अभी आपने देखा है इसका पार्किंग लेवल, और पार्किंग लेवल के अंदर आप वक्त देखें टाइल्स का वक्त देखें प्रॉपर हाफ वॉल्स के आपको टाइल्स यहाँ पे काम करवा के दिए गए हैं, स्विचेस सारे आपको लगा के दिए गए हैं। बात करते हैं फॉल सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी फॉल सीलिंग आपको डिज़ाइन करके दे रहे हैं। चारों तरफ LED आपके फोकस लैंप आपके लगाए जा चुके हैं, सेंटर में वाइट कलर का बहुत ही प्यारा फैन आपको लगा के दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने लेफ्ट साइड की, तो स्टेयर केस के नीचे जो पैसेज है देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रॉपर एक बहुत ही शानदार स्पेस आपको अलमीरा के लिए यहाँ पे या स्टोर के लिए आप कह लीजिए कितने तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया गया है। और स्पेस देखिए दोस्तों, यहाँ स्पेस देखिए, ऊपर स्पेस देखिए, राइट में स्पेस देखिए, तो किसी भी तरीके की स्पेस की आपको यहाँ पे कमी नहीं आने वाली, क्योंकि आज आपका ये जो घर है ये जड़ और छत दोनों के समेत आपको मिलने वाला है दोस्तों। और इसका प्राइस क्या रहेगा दोस्तों, वो आपको मैं बताऊंगा वीडियो के किसी भी पार्ट में, तो वीडियो को स्कीप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा कंटिन्यूसली। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस आपको यहाँ पे, ये मोटर रखने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस दोस्तों बना के दिया गया है। स्विचिंग का सारा काम हो गया, हमारी तरफ से सबमर्सिबल का सारा काम दोस्तों यहाँ पे करवाया जा चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला 1 BHK का पूरा सेट कि किस तरीके से हमने उसको बनाया है। तो एंट्री करते हैं सबसे पहले इसके किचन की, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एक सेपरेट किचन आपको यहाँ पे तैयार करके दिया है और किचन मॉड्यूलर आपको प्रॉपर तैयार करके दिया गया, जिसमें अपर में और लोअर में वुडन के सारे कैबिनेट तैयार कर दिए गए हैं, स्टेनलेस स्टील की सिंक लगा दी गई है, सैनिटरी के टैप्स आप देख सकते हैं सारे के सारे लगाए जा चुके हैं, चिमनी का काम दोस्तों अभी होना बाकी है। बाकी आप स्पेस देख सकते हैं, ऊपर की फॉल सीलिंग देख सकते हैं और पूरी की पूरी लंबी फॉल सीलिंग है। यहाँ पे ऊपर देखिए आपको फैन लगा के दिया गया ताकि आप इवनिंग में प्रॉपर आप चाहें तो ये प्रॉपर आपका लॉबी स्पेस आता है, जहाँ पे आप बहुत ही ईजी आप यहाँ पे चेयर लगा के यहाँ भी आप दोस्तों बैठ सकते हैं। अगर किसी और चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है एरिया आप यूज़ कर सकते हैं, टैप प्रॉपर यहाँ पे देखिए आपको लगा दिया गया है। अब इसके बाद एंटर करते हैं अपने बेडरूम के अंदर, तो ये हमारा आ जाता है दोस्तों अपना फर्स्ट बेडरूम। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज आपका ये जो इंडिपेंडेंट विला है, इंडिपेंडेंट घर है, ये दोनों 2 साइड ओपन मींस क्रॉस वेंटिलेशन के साथ आर पार आपको मिलने वाला है। 50 गज में हमने प्रॉपर इसको तैयार किया है, मौके पे जगह आपको तकरीबन 55 से 60 गज दोस्तों मिल जाती है। तो ये देखिए इसका पूरा का प्रॉपर आपका बेडरूम आता है, और बेडरूम में अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्लोरिंग की, तो आप फ्लोर देख सकते हैं 2x2 की कितनी बेहतरीन ग्लॉसी लुक में रहने वाली वेट्रीफाइड टाइल आपको लगा के दे रहे हैं। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन 10x10 का आपको प्रॉपर साइज तैयार करके दिया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत ही शानदार 3D लुक में रहने वाला वॉलपेपर लगाया गया है। और वॉलपेपर के साथ में अब इसकी नज़र मारिए फॉल सीलिंग पे, कितनी बेहतरीन फॉल सीलिंग आपको तैयार करके दे रहे हैं। फैन LEDs लगा दिया गया है, LED लैंप्स आपको भरपूर मात्रा में लगा के दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो आप देख सकते हैं
काफ़ी बड़ी विंडो आपको यहाँ पे तैयार करके दी गई है। बीच में यहाँ पे आप 1.5 टन का विंडो एसी लगा सकते हैं। स्विच लगा दिया गया है, हर तरीके के स्विच, पावर स्विच, नॉर्मल स्विच आपको लगा दिए गए हैं। अब ये हमारी आती है बैक की एंट्री दोस्तों, तो यहाँ से आप बैक एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। और बैक साइड में भी आपको बहुत ही डिसेंट साइज की गली, तकरीबन 12 से 13 फुट की गली है, जो कि आपको आपके घर के बैक साइड में बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन गली जो आपको मिल जाती है दोस्तों। तो ये था इसका बैक गेट, और बैक गेट के साथ ही यहाँ पे हमारा रह जाता है दोस्तों अटैच बाथरूम। अब बाथरूम में एंटर करते सबसे पहले बात करें अगर इसकी साइज की, तो 4x6 का नॉर्मल साइज रहने वाला है। काम सारा आपको करवा के दिया जा रहा है, टाइल्स वॉल टू वॉल हो गई है, सैनिटरी बाथ फिटिंग सारा काम आपको करवा के दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सीट लगाई गई है, वैनिटी का पूरा काम हो चुका है, टैब लग चुका है, वेंटिलेशन के लिए पूरी की पूरी काफ़ी बड़ी विंडो यहाँ पे देखिए तैयार हो चुकी है। फुल साइज का शॉवर लगा दिया गया है, फॉल सीलिंग तैयार कर दी गई है, जिसके अंदर LED लैंप आपको लगा दिया गया है। तो ये था इसका ग्राउंड लेवल, जो आप चाहें तो फ्यूचर में रेंट पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई छोटी सी फैमिली को रेंट पर दे सकते हैं, या आप खुद भी अपने इंडिपेंडेंट इस जड़ छत में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था ग्राउंड लेवल, अब इसी के बाद चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपके लिए तैयार किया है हमने 2BHK का सेट। तो नॉर्मल मार्केट में आप जाते हैं 3BHK का इंडिपेंडेंट आपका फ्लोर लेने, बट मैं आज आपको देने आया हूँ 3 बेडरूम और 3 ही टॉयलेट के साथ 3 आपका इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब मिनी विला आप इसको दोस्तों बोल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेयरकेस से अपने फर्स्ट फ्लोर पे, और स्टेयरकेस की एंट्री देखिए दोस्तों, प्रॉपर 304 नंबर की मजबूत स्टील की रेलिंग आपको दोस्तों प्रॉपर लगा दी गई है। स्टेयरकेस में देखिए आप, ये नाइट लैंप आपको दोस्तों यहाँ पे लगा के देंगे, ताकि रात में भी किसी भी अंधेरे के अकॉर्डिंग आपको स्टेयर्स चढ़ने में कोई दिक्कत ना रहे, लाइट एज इट इज़ इसकी जली रहेंगी दोस्तों। अब यहाँ से चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, आइए। तो ये हम आ जाते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट फ्लोर के बालकनी एरिया में, और बालकनी एरिया में अब देखिए प्रॉपर ये कितनी खुली बालकनी आपको तैयार करके दी गई है, जिसके अंदर SS स्टील की मजबूत रेलिंग आपको लगा दी गई है। नेट आपको प्रॉपर तरीके से लगा गया है, ताकि कोई भी पंछी कबूतर या अंदर ना आ सके, अपना घोंसला या अंदर ना बना सके। वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपर टैब और स्विच लगा दिए गए, यहाँ पर आप इजीली कपड़े धो सकते हैं दोस्तों। अब इसी के बाद ये हमारा सेपरेट में आ जाता है लॉबी एरिया, देख सकते हैं लॉबी एरिया की जो फ्लोरिंग है बहुत ही बेहतरीन, सेम ग्लॉसी लुक टाइल में आपको तैयार करके दी गई है, जिसके अंदर सेम SS स्टील की रेलिंग साइड में लगा दी गई है, ताकि कोई भी पर्सन यहाँ से गिरने का डर जो है वो खत्म हो जाए दोस्तों। तो ये प्रॉपर रेलिंग है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रहने वाला फर्स्ट बेडरूम, आइए दोस्तों। तो ये हम आ जाते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जिसकी 2 एंट्री पड़ती हैं। एक एंट्री जहाँ से मैंने एंटर किया, और दूसरी एंट्री हमारी बालकनी से, जहाँ से हमारे कैमरामैन साहब भी एंटर करके देखिए। तो ये दोनों एंट्री आपको मिल जाते हैं इसके फ्रंट बेडरूम में। और बेडरूम में बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो आप साइज देखिए दोस्तों। फ्लोरिंग पे भी इसमें आपको बहुत ही शानदार वही सेम 2x2 की ग्लॉसी रूप में रहने वाली वेट्रीफाइड टाइल्स लगा दिए गए, और 10 फुट चौड़ा और नाना करते भी 12 से 14 फुट लंबा आपको ये बेडरूम तैयार करके दिया जा रहा है दोस्तों। और उसी बेडरूम के अंदर बहुत ही शानदार ग्रे कलर का यहाँ भी 3D में वॉलपेपर आपको लगा दिया गया है। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर उसी बेहतरीन तरीके से फॉल सीलिंग भी आपको यहाँ पे तैयार करके दे रहे हैं। LED लैंप लगा दिए गए हैं, फैन आपका लगा दिया गया है, स्विचेस लगा दिए गए हैं। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खिड़की यहाँ पे भी तैयार करके दी गई है। यहाँ पे भी आप अपना 1.5 टन का विंडो एसी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, स्विचेस लगा दिए गए हैं। तो ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। अब फर्स्ट बेडरूम से चलते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की रहने वाली सेपरेट किचन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक पूरा का पूरा सेट आपको तैयार करके दिया गया, जिसके अंदर भी हम आपको किचन बना के दे रहे हैं, ताकि आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रेंट पर्पस से या खुद भी रह के। तो उस तरीके से सेकंड किचन भी हम आपके लिए तैयार करके दे रहे हैं, और इस किचन में भी आपको देखिए दोस्तों सारा का सारा काम करवा के दे रहे हैं, पूरा मॉड्यूलर किचन तैयार करके दे रहे हैं। देख सकते हैं सारा का सारा वुडवर्क का काम करवाया जा चुका है, सिर्फ चिमनी लगना बाकी है, बाकी सारा काम आपको करवा दिए गए हैं। टाइल्स आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर में आपको बहुत ही अच्छी डार्क शेड में टाइल लगा के दिए, ताकि जो कि किसी भी तरीके से गंदी ना दिखे दोस्तों। ये पूरा का पूरा हमारा पैसेज एरिया आता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रहने वाला कॉमन वॉशरूम, आप ये देख सकते हैं हम कॉमन वॉशरूम में एंटर करके दोस्तों।
4x6 का इसका भी साइज रहने वाला है और यहाँ पे भी आपको सारा काम करवा के दिया जा रहा है दोस्तों। सीट लगाई जा चुकी है, वैनिटी का सारा काम करवाया जा चुका है, टाइल्स प्रॉपर वॉल टू वॉल लगा के दे रहे हैं, सैनिटरी बाथ फिटिंग शॉवर गीजर फिटिंग सब आपको करवाई जा चुकी है। और बात करते हैं अगर वेंटिलेशन की तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खिड़की है जो वेंटिलेशन के तौर पर आपको वॉशरूम में दी जा रही है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के रहने वाले सेकंड बेडरूम में और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखते देखते लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में नेबर्स में रिलेटिव में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा आ जाता है दोस्तों सेकेंड बेडरूम या थर्ड बेडरूम, मीन्स एक बेडरूम आपने नीचे देखा, सेकेंड बेडरूम आपने फ्रंट में देखा, ये हम आ जाते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। और थर्ड बेडरूम में एंटर करते अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायमेंशन की तो 10x10 का आपका ये भी रूम साइज आपको मिलने वाला है। फ्लोरिंग इसमें भी बहुत ही डिसेंट आपको केसर कलर में ये आपका टाइल्स वर्क करवा के दिया जा रहा है, बहुत ही ग्लॉसी रूप में आपको टाइल रखने वाले दोस्तों। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी टाइल से मैच खाता हुआ ऑफ शेड ग्रीन में 3D लुक में वॉलपेपर आपको लगा के दिया जा रहा है। यहाँ पे भी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल की, यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग तैयार करके दे रहे हैं जिसके अंदर LED लैंप फैन सब कुछ लगाए जा चुके हैं दोस्तों। वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी प्रॉपर काफ़ी बड़ी विंडो आपको तैयार करके दी गई है, सेंटर में आप अपना वही विंडो AC लगा सकते हैं। बात करते हैं अपने स्टोरेज की तो स्टोरेज के लिए देखिए आपके बेडरूम को बिना डिस्टर्ब किए हुए काफ़ी बिग साइज की अलमीरा आपको यहाँ पे तैयार करके दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर भी काफ़ी स्पेस आता है और नीचे भी देखो काफ़ी स्पेस के साथ आपको ये स्टोरेज अलमीरा हम तैयार करके दे रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैक साइड की बालकनी जो आप अपने वॉशिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी सफिशियंट बालकनी आपको दोस्तों यहाँ पे बना के दी गई है, लैंप आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको लगा के दिया गया है, SS स्टील की रेलिंग बना दी गई है तो काफ़ी सफिशियंट साइज़ में आपको ये भी बालकनी तैयार करके दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके छत की तो उसके लिए हम चलेंगे अपने टेरेस पे। और टेरेस पे जाने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी नज़र मरवाता हूँ यहाँ की फ्रंट की रहने वाली बालकनी की फॉल सीलिंग की, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिज़ाइन आपको यहाँ पे हम ये देख सकते हैं दोस्तों तैयार करके दे रहे हैं। इसमें भी हमने वही सेम ब्राउन कलर की ACP की जो शीट है उससे प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए काम करवा के आपको दिया गया दोस्तों, जिसके अंदर 2 LED लैंप बहुत ही हाई ग्लॉसी लुक में आपको तैयार करके दें ताकि किसी भी तरीके का अंधेरा यहाँ पे ना रहे। अब इसी के बाद चलते हैं अपने टेरेस पे, आइए दोस्तों। तो ये हम आ गए जाते हैं दोस्तों अपने टेरेस पे और ये टेरेस के ऊपर प्रॉपर दरवाज़ा आपको लगा दिया गया है, स्विचेस आपका होल्डर बल्ब के लिए आपको लगा दिया गया है, पानी का पाइप देख सकते हैं प्रॉपर ऊपर मोमटी पे आपके 500 लीटर का वाटर टैंक आपके लिए लगा के तैयार कर दिया गया है। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ के रहने वाली आपका खुला आसमान, आपकी खुली छत, आप देख सकते हैं इसका साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा टेरेस आपको यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इसकी फ्लोरिंग पे नज़र मारिए, बहुत ही शानदार ग्रे कलर की आपको 2x2 की टाइल आपको लगा के दे रहे हैं, कोटा स्टोन टाइल है और एंटी स्किड टाइल है कि इसमें फिसलन नहीं आएगी दोस्तों। तो देखिए कितनी बेहतरीन खुली छत आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तैयार करके दे रहे हैं, जिसके फ्रंट में और बैक में आपको SS स्टील की मजबूत रेलिंग भी लगा के दे रहे हैं देखिए दोस्तों। और दोनों तरफ अगर बात करते हैं तकरीबन 4-4 फीट की हाइट की आपकी 3.5-4 फीट पे वॉल तैयार करके दे रहे हैं और उसी वॉल के ऊपर आपको प्रॉपर गमले रखने के लिए देखिए प्रॉपर सेल्फ तैयार करके दी गई है। तो आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि जब आप इस पर गार्डन प्रॉपर इसको जब बनाएंगे, इस पर जब आपके गमले हरे भरे लगेंगे और आप अपने घर की छत पे एंटर करते दोस्तों तो कितना हरा भरा कितना टेरेस गार्डन आपको इसके साथ मिलने वाला है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ इसको सजा के रखेंगे बना के रखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दोस्तों कि एक नया प्रयास है आप लोगों के लिए, मतलब फ्लोर्स तो आपके लिए मैंने बहुत सारे तैयार करके दिए बहुत सारे दिए हैं, बट एक नई कोशिश नया प्रयास आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट हाउस बनाने का आपके लिए पूरी कोशिश की है, बहुत दिल लगा के इसमें काम किया गया है, बहुत अच्छे लेवल पे इसका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी रखी गई है, इसकी लोकेशन रखी गई है, हर तरीके की मार्केट आपको मिल जाती है, ई रिक्शाज मिल जाते हैं, बैंक ATMs मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस इंडिपेंडेंट विला की इस इंडिपेंडेंट हाउस की विजिट बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर
कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात इसके प्राइस की, तो मात्र 53 लाख रुपए में आज आपको मिलने वाला है 50 गज में रहने वाला डुप्लेक्स विला दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लोकेशन के अंदर, बहुत ही अच्छी लोकेलिटी के पास, 1 किलोमीटर मेट्रो का डिस्टेंस लग जाता है नवादा या द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन का, हर तरीके की मार्केट आपको पास में मिल जाती है दोस्तों। तो वेट मत कीजिए, देर मत कीजिए, इस इंडिपेंडेंट हाउस को लेने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे नंबर्स पे कॉल करना है, कॉल करके बात करनी है, इस विला की अब अपना विजिट बुक करनी है, और अगर आपको ये घर पसंद आता है तो आपने परचेज कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। जिसके लिए आपको आना है हमारे ऑफिस वेस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी के, जो कि बना है उत्तमगढ़ वेस्ट मेट्रो के पास, मेट्रो पिलर नंबर 675 के पास। वहाँ पे आकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना कोई भी घर फ्लोर बुक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो आज की इसी खास वीडियो से, इसी खास इंडिपेंडेंट हाउस से लूँगा अलविदा, और कोशिश करूँगा कि ऐसे इंडिपेंडेंट विला आपके लिए और भी भरपूर मात्रा में लाता रहूँ, आपके लिए बनाता रहूँ। तो इस वीडियो से लूँगा इजाज़त, तो दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।